हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो का टॉपिक है मेरा ये गॉम्फ्रेनो प्लांट। ये खूबसूरत सा गॉम्फ्रेनो प्लांट जिसके कलर देखिए इतने खूबसूरत होते हैं, एकदम से वाइब्रेंट कलर है, पर्पल कलर, और काफ़ी सुंदर कलर है। गार्डन में एक खूबसूरत कलर ऐड करता है ये प्लांट। ये प्लांट अगर हमारे गार्डन में हो तो बेजान गार्डन में भी जान आ जाता है। तो काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, और इसके फूल काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टेबल होते हैं। यानी एक बार इसके फूल खिलते हैं तो बहुत दिन तक इसके फूल स्टेबल रहते हैं, और काफ़ी खूबसूरत बॉल जैसा इसका फूल होता है। और मुझे तो बहुत पसंद है ये प्लांट, और बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है। तो आज मैं आपसे इसी प्लांट को लेके बात करूंगी, इसी प्लांट के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम इस प्लांट को ग्रो करें। तो सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की, जो कि वेल ड्रेन सॉइल आपको लेना है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, वो प्लांट के लिए बेहतर होता है। मैं हर प्लांट के लिए आपको उसी तरह की मिट्टी रेकमेंड करूंगी, जिससे कि आपका प्लांट कभी ख़त्म नहीं हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो, वो आपके गार्डन में एक सुंदर लुक दे, एक हेल्दी प्लांट बने, तो हमेशा आप सॉइल मिक्सचर इसी तरह से बनाइए। जितना सॉफ्ट सॉइल मिक्सचर आप बनाएंगे, आपके प्लांट उतने ही अच्छे होंगे। ये बात हो गई मिट्टी की कि हम सॉफ्ट मिट्टी बनाएं। आप बात करते हैं वाटरिंग की, तो ये प्लांट शौगी मिट्टी पसंद करता है। यानी एकदम से गीली कीचड़ वाली मिट्टी इस प्लांट को नहीं चाहिए, लेकिन इस प्लांट की मिट्टी ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। ड्राई होने से इस प्लांट के फूल के साइज छोटे होने लगते हैं, और इसके जो पत्ते जो लीव्स होते हैं ये धीरे धीरे पीले पड़ के गिरने लगते हैं, और अजीब सा लैगी सा प्लांट हो जाता है। तो इस प्लांट में पानी का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी मिट्टी एकदम से ड्राई नहीं हो, शौगी गीली टाइप मिट्टी रहे, कीचड़ वाली नहीं, लेकिन मिट्टी में मॉइस्चर रहे। और इस प्लांट को हम किसी भी तरह की अगर फर्टिलाइज़र नहीं भी दें तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और अगर आप फर्टिलाइज़र देंगे तो ये प्लांट की ग्रोथ और अच्छी हो जाती है। तो मैं काउडंग कंपोस्ट मिट्टी तैयार करती हूँ, तब डाल देती हूँ। उसके बाद मुझे वैसे खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सब में जब मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ तब इस पॉट में भी डाल देती हूँ, जिससे कि इसमें भी अच्छे से फर्टिलाइज़र इस प्लांट को मिल जाता है। बगैर केयर करने वाला प्लांट है ये, जिसके पास टाइम नहीं है केयर करने का वो ये प्लांट लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला प्लांट, गार्डन में कलर ऐड करता है, और केयर नहीं करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लांट को केयर नहीं करनी पड़ती है, अपने आप ही ग्रो होते रहता है। कहने को तो ये प्लांट हमारे पास हमेशा के लिए नहीं रहता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस प्लांट को अपने गार्डन में हमेशा के लिए रख सकते हैं। तो इस प्लांट में पेस्ट अटैक नहीं होता है। अगर आपके गार्डन में लीफ कटर इंसेक्ट है तो आपके प्लांट की लीफ ख़राब हो सकती है, लेकिन अगर आपके गार्डन में इस तरह के इंसेक्ट नहीं हैं तो इस प्लांट में और किसी भी तरह के कोई इंसेक्ट नहीं लगता है। और मैंने अभी तक इस प्लांट में किसी भी तरह के कोई कीड़े नहीं देखे हैं, इसीलिए मुझे कभी इसमें इंसेक्टिसाइड यूज़ करना नहीं पड़ा। तो इस प्लांट को किसी भी तरह के कीड़े नहीं लगते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है कि इस प्लांट को केयर भी नहीं करना पड़ता है, और बहुत ही आसानी से ग्रो होता है, और किसी भी तरह के कीड़े भी नहीं लगते हैं। तो जिसके पास समय नहीं है या फिर ज़्यादा जानकारी नहीं है कि प्लांट को कैसे रखें या उन, तो वो ये प्लांट ज़रूर लगा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। और अब बात करते हैं कि इस प्लांट को हम प्रोपोगेट कैसे करें। तो इस प्लांट को ग्रो करना बहुत आसान है। अगर आप कटिंग से चाहते हैं तो ये प्लांट कटिंग से भी ग्रो होता है, और अगर आप सीड से करना चाहते हैं तो ये प्लांट सीड से भी ग्रो होता है। तो अगर आपको कटिंग से ग्रो
करना है। तो जैसे इस प्लांट के जो ये स्टेम जॉइंट एरिया होता है, जैसे यहाँ देखिए पत्ते निकले हैं और स्टेम भी निकला है, तो इस एरिया के नीचे से कट करके इसे हम ग्रो करें तो ये आसानी से ग्रो हो जाता है। और अगर हम सीड से ग्रो करना चाहें तो इसके जो ये फूल होते हैं यही होते हैं इसके सीड। तो जब ये प्लांट में रखे रखे सूख जाते हैं तब इसमें सीड तैयार हो जाता है, तब उससे हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जैसे देखिए ये फ्लावर इसके नीचे के हिस्से में देखिए ऐसे सूखने लगा है। जैसे ये सूखने लगता है तो सूखते सूखते ये पूरा सूख जाए तो ये पूरी तरह से सीड बन जाता है। उसके बाद आप इसे इस तरह से तोड़िए, इस तरह से इसे तोड़िए और आप किसी भी पॉट में इसे डाल दीजिए ऐसे ही, और आपका प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। 7 से 10 दिन के अंदर ही आपका प्लांट तैयार होने लगता है, नया ग्रोथ उसमें स्टार्ट होने लगता है। तो बहुत ही आसानी से ये प्लांट हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत ही सुंदर कलर वाला प्लांट है। इसमें और भी कलर आते हैं, सफ़ेद, लाइट पिंक और भी कलर आते हैं। मेरे पास ये एक ही कलर का प्लांट है और काफ़ी खूबसूरत कलर है ये। अगर आपको अपने गार्डन में कलर ऐड करना है और बगैर मेहनत के फूल पाना है तो बेशक आप इस प्लांट को अपने गार्डन में लगा सकते हैं, इजी ग्रोइंग प्लांट है। तो आज का मेरा टॉपिक इसी प्लांट पे था, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो मिलते हैं अब अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके देन, बाय। Close till I get up, time is barely on our side.